ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما عزیز طلباء و طالبات سمیدا ای کلاسز میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں میرا نام ہے रफीक तांबोली असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल मस्की ज़िला रायचूर से। आज मैं हस्तुम जमात से मजमून साइंस का बाब नंबर 14। आप क्या बता सकते हैं इस इमेजेस को देखकर कि ये क्या है? देखिए, पहली जो इमेज है वो बाखीरों को जाहिर करता है, दूसरा जो इमेज है वो कीमियाई तामुल को जाहिर करता है। तो इसी तरह जो है जो सबक का जो टाइटल है वो है बाखीरों के कीमियाई असरात, यानी के केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस सबक को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ पर आज जो है हम पहला हिस्सा इसको जो हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी है ये किताब जो पार्ट टू की साइंस की किताब है। इसमें जो है पेज नंबर 58 पर ये सबक है, इसको जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसके अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। बिजली के सामान को गीले हाथों से न छूना। इसी तरह से बिजली के अच्छे मौसिल और बिजली के कमजोर मौसिल, और क्या रखीक अशिया बिजली का एहसाल करती हैं, इन चार नुकात पर आज हम यहाँ पर बहस करेंगे, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं एक के बाद दीगर, इसको हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिजली के सामान को गीले हाथों से न छूना। प्यारे बच्चों, आपके वालिदैन, आपके अम्मी आपसे कहते हुए आपने सुना होगा कि बिजली के जो प्लग होते हैं उसको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। जब आप बाथरूम में होते हैं, आपके हाथों पर पानी लगा हुआ होता है, आपका हाथ जो है गीला होता है, और उससे क्या है आपको बिजली के किसी भी सामान को नहीं छूना चाहिए। इस बात को आपके पेरेंट्स आपको कहते हुए सुना होगा। क्यों? इसलिए कि आपको झटका लग सकता है, करंट शॉक लग सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि बिजली के सामान को गीले हाथों से ना छुएं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बिजली के अच्छे मौसिल, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मादे अपने अंदर से होकर बिजली को गुजरने देते हैं उनको हमें क्या कहते हैं? बिजली के अच्छे मौसिल कहते हैं। आप बता सकते हैं मिसालें किन में से करंट गुजरता है? आम तौर पर हम देखते हैं कि लोहा, अल्युमिनियम, तांबा, ये वगैरह जो चीज़ें हैं इनमें से जो है बरखीरों को क्या है गुजर जाते हैं इनमें से, इसलिए इनको क्या हम करते हैं बरखीरों के अच्छे मौसिल कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है बिजली के कमजोर मौसिल, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ क्या होता है, जो मादे अपने अंदर से बिजली को गुजरने नहीं देते उसको हम क्या है बिजली के कमजोर मौसिल कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं मिसालें इसकी क्या हैं? इसकी मिसालें जो हैं लकड़ी है, सूखी लकड़ी, रबर है, ये तमाम चीज़ें वो हैं
जो उनके अंदर से जो है बिजली को गुजरने नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं, बिजली के कमजोर मौसिल कहते हैं। इसी तरह से आपको याद होगा कि हमने छठी जमात में पढ़ा था कि एक टेस्टर भी बनाया था जिसका इस्तेमाल भी हम कोई शय अपने अंदर से बिजली गुजरने देती है या नहीं उसको क्या है मालूम करने के लिए किया गया था, और इस बात का तयन करने में टेस्टर ने हमारे किस तरह से मदद की थी। ये तो आप बात को इस बात को आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां पर एक तजुर्बा है, हम उसको अंजाम देते हैं। तजुर्बा देखिए यहां पर एक जो वीडियो है मौसिल, हमने इस तरह का एक टेस्टर बनाया था पिछली जमातों में कि यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर टेस्टर के एक किनारे पर प्लास्टिक लगा हुआ है। प्लास्टिक को अगर हम दूसरे यानी बल्ब के दूसरे सरे को टच करेंगे तो यहां पर बल्ब नहीं जलता। तो यहां पर मालूम होता है कि ये जो है प्लास्टिक जो है वो कमजोर मौसिल है। इसी दुर्बा है यहां पर देखते हैं अच्छा मौसिल किस तरह होता है। इसको भी हमने किया था ऑलरेडी पिछले जमातों में। यहां पर देख सकते हैं आप, उसी टेस्टर में सामने वाला जो सरा है वो जो है धातु से बना हुआ है, जब उसको टच करते हैं तो वहां पर बल्ब जलता है। इससे मालूम होता है कि टेस्टर का जो अगला सरा है वो अच्छा मौसिल है। तो हमने पढ़ा था कि यहां पर एक फहरिस्त है, देखिए इसको हमने ऑलरेडी पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। यहां पर जो है अच्छा मौसिल और इसी तरह से कमजोर मौसिल, दो तरह से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। किस तरह से कि हमने जिस तरह देखा कि जिन अशिया में से बिजली गुजरती है उसको हम अच्छा मौसिल कहते हैं, यहां पर हम मिसालें लेकर देखते हैं कि सबसे पहले जो है तांबा, ये तांबा जो है देखते हैं हम, तांबे का वायर, इस तरह का वायर आपके घरों में करंट के इस्तेमाल में होता है, तो ये जो है वायर, ये भी जो है तांबे का वायर जो है अच्छा मौसिल है। इसी तरह से अलूमिनियम का भी यहाँ पर वायर देख सकते हैं, ये भी जो है अच्छा मौसिल है। इसी तरह से लोहे का जो वायर है इस तरह का होता है, ये भी जो है, ये तीनों जो मिसालें हैं वो अच्छे मौसिल की मिसालें हैं। इसी तरह से देखते हैं हम कमजोर मौसिल की मिसालें, रबर, यानी रबर को आपने देखा होगा इस तरह से, ये जो टायर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमने पहले तजुर्बा किया उस तजुर्बे में वहां पर टेस्टर पर किनारे जो लगा हुआ था वो भी रबर था, ये जो रबर है ये भी कमजोर मौसिल है। इसी तरह से देखते हैं प्लास्टिक भी क्या है, प्लास्टिक के हम बोतल वगैरह देखते हैं हमारे घरों में होते हैं, ये प्लास्टिक भी जो है वो कमजोर मौसिल है, इसमें भी बिजली का एहसास नहीं होता। इसी तरह से क्या है लकड़ी, यानी कि सूखी लकड़ी जो है ये भी क्या है बिजली का कमजोर मौसिल होती है। इस तरह जो है ये मिसालें जो है हमने पिछली जमातों में पढ़ा था कि ये अच्छे मौसिल की मिसालें कौन से हैं, कमजोर मौसिल की मिसालें कौन से हैं। तो अब हम अभी तक हमने अपने टेस्टर से उन अशिया की जांच की थी जो ठोस हालत में थे, अब हमें क्या करना है, रखीक अशिया का यहां पर टेस्ट करना है। रखीक अशिया के मामले में क्या होता है, क्या रखीक अशिया में से भी बिजली का एहसास होता है, इसको हमें मालूम करना है। चलिए आइए मालूम करते हैं इसमें क्या है बिजली का एहसास होता है या नहीं। इससे पहले यहां पर आपको जो है बोझो और पहेली आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमें कभी भी मेंस जनरेटर इन्वर्टर से बिजली की सप्लाई की मदद से तजुर्बे नहीं करना चाहिए। यहां जो भी सरगर्मियां की जाती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बर्खी शलों का इस्तेमाल करके तजुर्बे अंजाम दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्या रखीक अशिया बिजली का एहसास करती है। इस बात की जांच करने के लिए कि आया कोई रखीक अशिया बिजली का एहसास करती है या नहीं, अपने अंदर से होकर बिजली को गुजरने देती है या नहीं, उसको मालूम करने के लिए हम उसी टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले जमातों में इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे पहले देखना होगा हमें कि टेस्टर का इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना होगा कि इस बात की भी जांच करेंगे कि
ये टेस्टर जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो टेस्टर काम कर रहा है या नहीं, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तजुर्बा करते हैं। चलिए देखते हैं। टेस्टर के आज़ाद सरों को एक लम्हे के लिए आपस में मिलाइए। ऐसा करने से सर्किट मुकम्मल हो जाता है और बल्ब जलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब यह है कि टेस्टर काम नहीं कर रहा है। क्या आप इसके मुमकिन वजाहत बता सकते हैं? क्या यह मुमकिन है तारों के कनेक्शन टूट गए हों? या फिर ये ढीले पड़ गए हों? या बल्ब फ्यूज हो गया हो? या फिर सेल के अंदर जो पावर है वो खत्म हो गया? अगर ये सभी दुरुस्त हैं, तो बल्ब जलेगा और टेस्टर भी काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये टेस्टर खराब हो चुका है। अब यहाँ पर जो तजुर्बे में देख रहे हैं, यहाँ पर टेस्टर काम कर रहा है, तो इसको हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि सेलों की पावर ख़त्म हो गई है, तो ये जो सेल हैं उसको चेंज कर दीजिए, उसको नए सेल इस्तेमाल कीजिए। देखिए तजुर्बे में यहाँ पर टेस्टर सही होने की वजह से, तमाम कनेक्शन सही होने की वजह से, सेल में भी पावर होने की वजह से यहाँ पर बल्ब जल रहा है। इस तजुर्बे से मालूम होता है कि हमारा ये टेस्टर काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ रखी अशिया की जांच करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों एहतियात बरतना चाहिए, अपने टेस्टर की जांच करते वक्त उसके आज़ाद सरों को चंद सेकंड से ज़्यादा वक्फे के लिए उसको क्या है मुंसलिक ना करें। क्योंकि क्या होता है, अगर हम देर तक उनके आज़ाद सरों को मिलाएंगे तो क्या होता है, वो बैटरी जो है उसके अंदर का पावर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। हमें चाहिए कि कम वक्फे के लिए थोड़े ही सेकंड में क्या कर दें, उसको निकाल दें, उस कनेक्शन को कंटिन्यू ना रखें। तो चलिए नेक्स्ट एक सरगर्मी है, वो जो है अमली काम 14.2, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियो में बेकार बोतलों या प्लास्टिक के ढक्कन को जमा कीजिए, उन्हें पहले साफ कीजिए। एक ढक्कन में एक चम्मच लीमू का रस, इस तरह से एक चम्मच लीमू का रस लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने सेल को एक ऑन ऑफ करने के लिए बटन का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ यहाँ पर दो टेस्टर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ दरमियान में एलईडी बल्ब का यहाँ पर क्या मैंने इस्तेमाल किया है। अब ये फिलहाल बटन ऑफ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब नहीं जलता। देखिए हाँ, अभी ऑन करके देखते हैं, स्विच ऑन करके। ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि जब हम दोनों टेस्टर्स को मिलाते हैं तो यहाँ पर बल्ब जलता है। तो हमें देखना है कि लीमू का रस या सुरके में बरखी रोग का इस्तेमाल होता है या नहीं। तो उसको हमें क्या करना होगा, इन दोनों टेस्टर्स को इस सुरके में मिलाना, डुबोना होगा। जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर के फासले पर रखने पर
यहाँ पर बल्ब जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि लीमू का रस या सुरका ये अच्छे मौसम में इसको शुमार किया जाता है। इस तजुर्बे से मालूम हुआ कि जब टेस्टर के दोनों सरों के दरमियान का रकीक अपने अंदर से होकर बिजली को गुजरने देता है तो ये टेस्टर का जो सर्किट है वो मुकम्मल हो जाता है, सर्किट में करंट बहता है और बल्ब जलता है। एक पॉइंट हमें इस तजुर्बे से मालूम हुआ। सेकंड पॉइंट जो है, जब टेस्टर के दोनों सरों के दरमियान का रकीक अपने अंदर से बर्खीरों को गुजरने नहीं देता तो टेस्टर का सर्किट मुकम्मल नहीं होता। इससे क्या पता चलता है कि सर्किट में करंट नहीं बहता और बल्ब क्या नहीं चलता। ये क्या दो पॉइंट्स हमें इस तजुर्बे से मालूम होते हैं। अब देखते हैं, कुछ मामलों में रकीक मौसिल होने के बावजूद भी मुमकिन है कि बल्ब ना जले, इसकी वजह क्या हो सकती है? चलिए देखते हैं इसकी वजह। बल्ब से बर्खीरो गुजारने के बाद बल्ब जलता है। बर्खीरो के हरारती असर की वजह से बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्ज हरारत पर गर्म होकर चमकने लगता है। अगर उस सर्किट में करंट बहुत कम है तो फिलामेंट इतना गर्म नहीं होता कि वो जल सके। यानी कि ऐसी हालत में हम क्या कर सकते हैं, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या है, हमें कम मकदार में बर्खीरो होने के बावजूद भी क्या है, वो एलईडी बल्ब जलेंगे। अगर हम अनकैंडिसेंट या दूसरे किसी भी तरह के बल्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो पावर उतना नहीं होगा कि वो बल्ब जल सके। तो अब सर्किट में करंट कम कब होता है इसको हम समझेंगे। हालांकि कोई शय बर्खीरो का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो धात की तरह आसानी से बर्खीरो का इस्तेमाल न कर पाती हो। तो नतीजतन क्या होता है कि टेस्टर का सर्किट तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन उसमें बहने वाला करंट इतना कमज़ोर हो सकता है कि बल्ब न जल सके। यानी करंट की मकदार बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, वो बल्ब नहीं जलता है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सूरत में ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर एलईडी बल्ब, इस तरह के देखे होंगे डेकोरेशंस में वगैरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे बल्ब का क्या है हम इस्तेमाल करेंगे तो अगर कम मकदार में भी करंट है तो ये जलेंगे। इसको क्या है, ज़्यादा मकदार की करंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेलों पर भी अच्छी तरह से काम करते हैं, बैटरी सेल वगैरह हम इस्तेमाल करके भी इसको रोशन कर सकते हैं। क्या होता है, याद रखिए, इनका इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, जो लंबे तार को क्या करना, इसमें जो दो तरह के तार होते हैं, एक साइज छोटा होता है एक लंबा होता है, आप तीनों में भी देख सकते हैं, एक लंबा है एक छोटा है, इसमें क्या करना होता है, हमें लंबे तार को हमेशा बैटरी के मुस्बत टर्मिनल पर जोड़ना होगा और जो साइज कम है छोटा साइज का जो है उसको हम क्या है बैटरी के मनफी टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। इस बात को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह क्या हम कोई ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो बहुत कम करंट को भी महसूस कर सकता है, चलिए देखते हैं। हम एक और टेस्टर बनाने के लिए बर्खीरो के किसी दूसरे असर का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा कि बर्खी मिखनातीसी असर क्या करती है, बर्खीरो को पैदा करती है। जब किसी तार में बर्खीरो बहती है तो उसके करीब रखी हुई मिखनातीसी सुई में क्या होता है, इनराफ होता है। करंट बहुत मामूली होने के बावजूद भी क्या होता है उसमें इनराफ, वो सुई में जो है फ्लक्चुएशन होता है, इनराफ होता है, आपने उसको देखा होगा। हम बर्खी मिखनातीसी असर का इस्तेमाल करके टेस्टर बना सकते हैं। इसको जो है, इस अमली काम को 14.3 में देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अमली काम 14.3। देखिए यहां पर स्क्रीन पर, माचिस की एक खाली डबिया से उसकी ट्रे निकाल लीजिए।
ट्रे के चारों तरफ बर्फी तार के कुछ फेरे लपेटी है। ट्रे के अंदर एक छोटी मिकनातीसी सुई रखी है। अब तार के एक आजाद सरे को बैटरी के एक टर्मिनल से मुंसलिक कर दीजिए। दूसरे सरे को आजाद छोड़ दीजिए। तार का और एक टुकड़ा लीजिए। और उसे बैटरी के दूसरे सरे से मुंसलिक कर दीजिए। दोनों तारों के आजाद सरों को एक लम्हे के लिए एक दूसरे से जोड़िए। मिखनातीसी सुई में इनराफ होना चाहिए। लीजिए आपका तार के दो आजाद सरों वाला टेस्टर तैयार है। अब इस टेस्टर का इस्तेमाल करके दोनों सरों को लीमू के रस में डुबोते ही सुई में इनराफ होता है। अब देखिए इनराफ रुक जाता है। टेस्टर के सरों को लीमू के रस से बाहर निकाल लीजिए। उन्हें पानी में डुबोइए और साफ करके खुश्क कर लीजिए। अब इस सरगर्मी को नल के पानी, खुरदनी तेल, दूध, शहद जैसी दीगर रखी खर्चिया के साथ इसको दोहराइए। ये जो है आपको घर पर काम में दिया जाएगा। हर एक रखी क्षय की जांच करने के बाद टेस्टर को अच्छी तरह से धोकर उसको साफ करें और उसको सुखाएं जरूर। अब देखते हैं, यहाँ पर एक आपके लिए टेस्टिंग टाइम है। देखते हैं आपने कहाँ तक इस सबक को समझा है। मंदरजा झील की जोड़ियाँ बनाइए। ग्रुप ए में जो हैं वो हैं ग्रुप ए और बी, दो तरह के ग्रुप हैं। इसमें सही जवाब को आपको एक दूसरे से जोड़ना होगा। तो ग्रुप ए में देखते हैं, फर्स्ट जो है अच्छे मौसिल, नेक्स्ट कमज़ोर मौसिल, इसी तरह से टेस्टर का मुकम्मल सर्किट, इसी तरह से फिलामेंट का गर्म होना, इसी तरह से मिखनातीसी सुई का इनराफ। ग्रुप बी में हैं बरखीरों का मिखनातीसी असर, इसी तरह बल्ब का जलना, चमक दिखाई देना, और लकड़ी और प्लास्टिक, और लास्ट जो है तांबा और अलुमिनियम। इसको क्या करना होगा, सही जवाब से जोड़ना होगा। चलिए बच्चों शुरू करें। चलिए बताइए, सबसे पहले जो अच्छे मौसिल है इसमें से सही जवाब कौन सा है। हाँ देखते हैं, वेरी गुड। तो पहला जो है सही जवाब, अच्छे मौसिल जो है तांबा और अलुमिनियम, ये अच्छे मौसिल हैं।
इसी तरह से दूसरा जो है कमजोर मौसिल, वो जो है लकड़ी और प्लास्टिक है। चलिए तीसरा बताइए आप क्या है टेस्टर का मुकम्मल सर्किट का सही जवाब इसमें। हाँ तो वेरी गुड, वो जो है टेस्टर का सर्किट मुकम्मल हो जाता है तो बल्ब का जलना सही है। चलिए चौथा बताइए फिलामेंट का गर्म होना। फिलामेंट गर्म होने से क्या होता है, उस बल्ब में जो है चमक दिखाई देती है। इसी तरह जो आखिरी जो है मिकनातीसी सुई का एनेग्राफ, ये क्या जाहिर करता है, बर्की रो का मिकनातीसी असर को ये जाहिर करता है। तो वेरी गुड, आपने सही तरह से जवाब दिया। अब जो है आपके लिए यहाँ पर घर पर काम दिया जाएगा, आपको क्या करना होगा, हर एक मामले में मुशाहिदा करना होगा कि मिकनातीसी सुई में एनेग्राफ आता है या नहीं, और दर्ज झील जदोल में मिसाल की तरह उसको दर्ज करना होगा। हमने ऑलरेडी तजुर्बा किया था, वो तजुर्बा जो है फर्स्ट यहाँ पर लिया गया है। देखते हैं कि पहले लीमू का रस हमने तजुर्बा किया कि उसमें मिकनातीसी सुई में एनेग्राफ हुआ है, इसलिए हमने हाँ बोल के लिखा है। वो एनेग्राफ अगर होता है तो वो अच्छा मौसिल होता है। आपको क्या करना होगा, बकिया जो पांच यहाँ पर आइटम्स हैं, सुरका, नल का पानी, खुरदनी तेल, दूध, शहद, इन तमाम को क्या है उस तरह के टेस्टर से इस पर तजुर्बा करके ये पूरे क्या है इस जदोल को क्या है मुकम्मल करना होगा, मुकम्मल करके अपने असातिजा से इसकी तस्दीक करानी होगी। अच्छा तो बच्चों, हम दोबारा मिलेंगे इस सबक के अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर।